यह छोटा सा मशीन देख रहे काफी पोर्टेबल है। अक्सर शाम में बच्चों को स्नैक्स की क्रेविंग होती है और ऐसे में घर में मम्मी या फिर जो भी रहते हैं वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चे को क्या बना के दे। तो ये काफ़ी पोर्टेबल मशीन है जो आपकी सारी टेंशन को दूर कर देगी। सर क्या नाम हुआ आपका? जी सर, मेरा नाम इम्तियाज अली है। सर नॉर्मली आप ये ऑयल फ्री स्नैक्स मेकर है, बिना ऑयल के इसके अंदर 40-50 आइटम बना सकते हैं। इसके अंदर 0% ऑयल सर, इसके अंदर आपका ऑयल सेफ होगा, गैस सेफ होगा, टाइम सेफ होगा, हेल्थ सेफ होगी, मनी सेफ होगा। नॉर्मल घर में ऑयल में बनाते ना सर, कौन सा भी आइटम इस तरीके से ले लीजिए कच्चा वाला, उस तरीके से आपको इसके अंदर डाल देना है। आपको 250 ग्राम डाल सकते हो इसके अंदर। आप नॉर्मली ये टॉप कवर आएगा, इस तरीके से टॉप कवर लगा देना है आपको। स्टेयरिंग पर्पज के लिए स्टिक रहे, जो लाइट वेट आइटम होता है जैसे कि फ्रैंक्स हो गया, जैसे कि आपको जो लाइट वेट आइटम होता है फूलने वाला होता है उसके लिए आपको स्टिक आएगा। बस इसको होल्ड करना है, जब फूल जो ऊपर आने लगेगा एकदम स्टॉप करना है। स्टॉप करेंगे तो ऑयल में जैसा बड़ा बड़ा फूलता है, विदाउट ऑयल भी आपको सेम बड़ा बड़ा फूलेगा। मात्र 2 मिनट में तैयार हो गया पूरा फ्राई, सेकंड में 30-40 सेकंड के अंदर बनके रेडी हो जाता है। देखिए इस तरीके से आपको रेडी हो गया, जब कंप्लीट डीप रोस्ट हो जाए स्टिक को रिमूव कर देना है, ये ऑटोमेटिक रेडी होकर बाहर आ जाएगा। बहुत खूब, इसके क्रिस्पी भी वैसे ही रहती है, एकदम क्रिस्पीनेस रहेगा सर आपको। ओके, एकदम क्रंची और क्रिस्पी रहेगा ये। देखिए इस तरीके से आपको ऑटोमेटिक रेडी होकर बाहर आएगा। अगर किसी को ऑर्डर करना हो तो नॉर्मली आपको ऑर्डर करना है तो भी कर सकते हो सर। देखिए इस तरीके से आपको पापड़ बनाते हो ना घर पे, नॉर्मल पता नहीं कुछ, देखिए इस तरीके से एनी वन पापड़ कोई सा भी पापड़ एकदम 6 पापड़ एक साथ डाल सकते हो। पहले पापड़ को गर्म में नरम कर लेना है, एकदम फ्लेक्सिबल हो जाएगा क्योंकि हार्ड रहेगा ना, कोई सा भी पापड़ टूट जाएगा। ऐसे फोल्ड करके 6 पापड़ एक साथ डाल सकते हो। नॉर्मल घर में होममेड पापड़ भी होता है, लेडीज बनाते हैं हाथ से, आप राइस वाला पापड़, साबुदाना पापड़, मसाला पापड़, आलू वाला, दाल वाला, एनी वन पापड़ कोई सा भी पापड़ एट ए टाइम 6 पापड़ बना सकते हो इसके अंदर आप। और जो बड़े वाले पापड़ आते हैं ना, पंजाबी, मारवाड़ी, राजस्थानी पापड़ आते हैं, उसको तोड़ने की कट करने की जरूरत नहीं है आपको। वन साइड रोस्ट हो गया ऐसे टर्न करके डालना है बड़े वाले पापड़, एट ए टाइम 6 पापड़ एक साथ डाल सकते हो इसके अंदर आप। अच्छा, बच्चे की क्रेविंग्स पॉपकॉर्न में रहती है, पॉपकॉर्न भी इसमें बन जाता है। देखिए इस तरीके से आपको पापड़ रेडी हो गया। नॉर्मली आपको पॉपकॉर्न बनाना है क्रंची और क्रिस्पी हो जाएगा सर। पॉपकॉर्न बनाना है एट ए टाइम 250 ग्राम डालो, ऐसे 2 बॉल बनेंगे आपको। बस तरीके से मैं आपको 100 ग्राम डाल रहा हूँ आपको। इस तरीके से आप प्लेन वाला पॉपकॉर्न है सर, सॉल्टेड मसाला बटर पॉपकॉर्न चाहिए, थोड़ा घी बटर ऑयल इसके अंदर ऐड कर सकते हो, नमक मिर्च मसाला चाहिए इसमें मैरिनेशन कर सकते हो आप। बस तरीके से टॉप कवर लगा दीजिए, ऑटोमेटिक रेडी होकर बाहर आएगा। ये कितने देर में हो जाएगा? ये 1 मिनट के अंदर हो जाएगा सर। एनी पॉपकॉर्न नॉर्मली आपको मार्केट में भी अवेलेबल होगा, जो एक्टिव वाला पॉपकॉर्न मिलता है वो भी इसके अंदर बना सकते हो आप। इसके अंदर नॉर्मली आप 9 फ्लेवर्स ऐड कर सकते हो उसके अंदर, चॉकलेट, वेनिला, कैरमल, बटर पॉपकॉर्न, सॉल्टेड मसाला, टमाटो फ्लेवर, एनी फ्लेवर, जो फ्लेवर डालोगे वो फ्लेवर का पॉपकॉर्न बन के रेडी हो जाएगा इसके अंदर आपको। ये पॉपकॉर्न शुरू हो गया ब्लास्ट करना। नॉर्मली आप बाहर पानी पूरी खाते हो ना सर, पता नहीं कोसे हाथों से कैसा बनाते सर, अनहाइजीनिक रहेगा। ये घर पे एकदम हाइजीनिक बना के खा सकते हो, ये वाला पानी पूरी डाल के उसके अंदर एट ए टाइम 30-50 पीसेस डाल सकते हो, 50 पीसेस डाल सकते हो उसके अंदर आप। वाह, पानी पूरी रेडी हो गया।